नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग के कितने कितने प्रकार होते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सब्जेक्ट कोड है पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज सब्जेक्ट कोड है वन जीरो वन सेप्टी मैनेजमेंट उसी के अंदर आपको क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऐसा क्वेश्चन हो सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज के अंदर भी पूछा जाता है और डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सिस हो उसी के अंदर भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर आपको टाइप ऑफ ट्रेनिंग इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है तो उसके जवाब में हमें इस टाइप का रिप्लाई देना है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यानी कि ट्रेनिंग का टाइप जो है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टू टाइप्स होता है फॉर्मल ट्रेनिंग में भी जनरल और स्पेसिफिक यानी कि फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है जनरल ट्रेनिंग इंक्लूड लाइक ए फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो इंडक्शन कोर्सेस फॉर न्यू एम्प्लॉय यानी कि आपका प्लांट के अंदर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है तो उसको इंडक्शन ट्रेनिंग देना चाहिए ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग यानी कि कोई जॉब आप ऑन गोइंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपको ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग अरेंजमेंट होना चाहिए सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग यानी कि सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके लिए भी ट्रेनिंग रहता है तो उसका ट्रेनिंग होना चाहिए सुपरवाइजरी ट्रेनिंग होना चाहिए सीनियर और मिडल मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग रहता है तो उसके लिए भी अरेंजमेंट होना चाहिए दिस इज द वन टाइप ऑफ द ट्रेनिंग एंड लास्ट वन इज डायरेक्टर ट्रेनिंग यानी कि डायरेक्टर के लिए भी ट्रेनिंग रहता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंक्लूड यानी कि स्पेशल जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहता है उसके अंदर क्या क्या आता है सेफ्टी सिस्टम एट वर्क फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन यानी कि पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन हाउ टू डू उसका सिस्टम कैसे काम करेगा सेफ्टी कैसे करेगा काम तो ये भी एक वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाता है फर्स्ट एड ट्रेनिंग स्पेसिफिक आइटम ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट यानी कि स्पेसिफिक कोई आइटम है प्लांट के अंदर उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग अरेंज करना चाहिए और इक्विपमेंट कोई स्पेशल है उसके लिए भी ट्रेनिंग होना चाहिए तो दिस इज द वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे आपको यूज करना है तो वो भी एक ट्रेनिंग होना चाहिए फायर प्रिकॉशंस यानी कि फायर प्रिकॉशन कैसे लेना है सेफ्टी इंस्पेक्शन यानी कि वेरियस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन उसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन भी आता है तो ये एक ट्रेनिंग हो जाता है उसके लिए भी कि कैसे करना है किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए किसको रिपोर्ट करना है कैसे रिकॉर्ड रखना है तो ये सभी जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन के अंदर आता है चेंज ऑफ जॉब फॉर विच वर्कर इज नॉट ट्रेन यानी कि जो वर्कर के पास नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द जॉब और उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है तो उसका जॉब जो है वो चेंज कर देना चाहिए उसको उसके पास ट्रेनिंग देने के बाद ही जॉब करवाना चाहिए इनफॉर्मल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्रैक्टिकल इन नेचर एंड जनरली टेक प्लेस ऑन जॉब यानी कि जहाँ पे जगह पे ही इस टाइप का ट्रेनिंग है वो होना चाहिए प्रैक्टिकल नेचर में होना चाहिए जॉब इन इंडिविजुअल ट्रेनिंग फॉर द सुपरवाइजर और ऑपरेटर थैंक यू दोस्तों